हेलो स्टूडेंट्स, आज पॉलिटिकल साइंस के फोर्थ चैप्टर के एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मैं नीड टू रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट यानी लोकतांत्रिक तरीके से विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विवाद होता क्यों है, विवाद कैसे हो जाता है। तो विवाद होने का कारण है डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, रिलीजन्स के हैं, रीजन्स के हैं, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं यानी कि विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, धर्मों के हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया क्षेत्र के हैं एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग होते हैं जो एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और इसी कारण से विवाद होता है। और यह विवाद जो है हिंसात्मक तरीके से तक भी हो जाता है, जिसे गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कि वह विवादों को समाधान करे। इसमें बताया गया है कि विवाद को समाधान किस प्रकार से किया जाता है। जैसे में दिखाया है कि कोई भी धार्मिक जुलूस या उत्सव किसी रास्ता से निकाला जा रहा है, कोई रास्ता से जा रहा हो और उस जुलूस में कोई मान लीजिए पत्थर फेंक दिया या फिर उसे जाने से कोई रोकने की कोशिश करे, तो वहाँ पर क्या होगा, एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा दोनों पक्ष में। दोनों पत्थर फेंक दिया या फिर कोई रोका तो उसके विरोध में विवाद हो जाएगा कि हमें क्यों रोका। और इस उस समय कभी कभी हिंसक झड़प भी हो जाता है, मारपीट। उसी को रोकने के लिए, विवाद को जो उत्पन्न होता है उसी को रोकने के लिए, समाधान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा पुलिस को ऐसे मौके पर जिम्मेदारी दिया जाता है कि दोनों पक्ष में हिंसा ना हो और आपस में टकराव भी ना हो। इसके लिए उन लोग क्या करते हैं कि सभी पक्षों के जो हैं उनको एक जगह पर बुला के बैठाते हैं और विवाद का समाधान करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू दिया गया है विवाद के बारे में किस प्रकार से होता है, वो दिया गया है नदी के पानी के बंटवारे के विवाद। दो स्टेट में नदी बहती है, उसी का पानी के बंटवारा के लिए विवाद हुआ है, जिसमें कावेरी नदी का पानी के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट में विवाद होता रहता है। होता यह है कि दोनों स्टेट में कावेरी नदी पर डैम बनाया गया है जो कर्नाटक में कृष्णराज सागर बांध है तथा तमिलनाडु में मेंटूर बांध है बनाया गया है। लेकिन यहाँ विवाद ये है कि कृष्णराज सागर जो बांध बना है जो नदी के ऊपरी छोर पर है आगे है, और जो तमिलनाडु में है मेटूर बांध, जो नदी के निचले छोर पर है, जिसके कारण जब इस बांध से पानी को छोड़ा जाता है वो कृष्णराज सागर बांध से, तभी तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी आती है। इसी पानी के विवाद के समाधान के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो दोनों स्टेट को पानी इक्वल बंटवारा कर दिया कि तुम इतना लेना और तुम को इतना पानी है। ठीक है, फिर है एक आगे पॉइंट है इक्वलिटी एंड जस्टिस यानी समानता एवं न्याय के बारे में कि लोकतंत्र में किस प्रकार से सभी को समानता और न्याय मिलती है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो यह एक कमिटमेंट ही होता है कि सभी को समानता और न्याय मिले, वैसा दम वचनबद्ध होता है लोकतांत्रिक सरकार। इसी समानता और न्याय दिलाने के लिए अपश्रियता या छुआछूत या इसको कहिए अनटचेबल जो प्रथा है उसको कानूनी रूप से रोक लगा दिया या समाप्त कर दिया गया था।
नहीं तो जो ये प्रथा थे जो पहले जो दलितों लोग के दलित को एजुकेशन से, हेल्थ फैसिलिटी से और ट्रांसपोर्ट की सुविधा से भी उन लोगों को वंचित रखा जाता था। और पहले तो यह भी था कि दलित लोग को मंदिर में, जो सार्वजनिक मंदिर है उसमें भी घुसने नहीं दिया जाता था। और यहाँ तक कि जहाँ पर पानी पीने के लिए हैंडपंप हो या कुआं हो वहाँ से पानी भी लाने नहीं दिया जाता था। पहले इसी अनटचेबल प्रथा के कारण, छुआछूत की प्रथा के कारण ही, ठीक है। तो इसी जो प्रथा था, जो भीमराव अंबेडकर हुए साहब, उसने इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करवाया कानूनी रूप से और सभी को बराबरी का हक दिलाया। लेकिन फिर भी अभी भी उन लोग के समान नहीं है, इसके लिए जो गवर्नमेंट है ना विशेष प्रकार की व्यवस्था उन लोग के लिए की है ताकि वो समाज में सब बराबर हो सके, ठीक है। और एक है, हमारे समाज में लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि लड़का लोग को अधिक देखभाल किया जाता है घर में और लड़की लोग के उतना नहीं किया जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, एक धारणा बन गया है कि लड़का लोग ज़्यादा अच्छा है, लड़की लोग उतना अच्छी नहीं है। इसी धारणा को समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने लड़कियों को विशेष सुविधा दिया है, जैसे में स्कूल के फीस में कुछ कमी है, कॉलेज तक पढ़ाई भी शायद फ्री कहीं कहीं कर दिया गया है, कहीं कहीं स्टेट में साइकिल के लिए, हमारे बिहार राज्य में है, साइकिल का वितरण किया जाता है लड़की लोग के, पोशाक का वितरण किया जाता है, और तो और है पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उसको पढ़ाई में, उसके लिए स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से गवर्नमेंट चाहती है कि सभी को भेदभाव लड़की लोग को नहीं हो, लड़का और लड़की को हमारा समाज समान रूप से देखे, ठीक है, ओके।